नेक्स्ट हम आगे अगला टॉपिक देखेंगे, स्टाइल्स। स्टाइल्स में हम यहाँ पर हमारे सेंटेंस को किसी भी तरह की स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस टाइप किया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम यहाँ से स्टाइल पे क्लिक करेंगे। स्टाइल के लास्ट एरो पे क्लिक करके और यहाँ से हम पूरी स्टाइल्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमको जैसी भी स्टाइल अच्छी लगती है हम उस स्टाइल को अप्लाई कर देंगे। जैसे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, कई तरह की स्टाइल्स यहाँ पर दी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया हेडिंग 2, तो आप देख रहे हैं मेरा सेंटेंस जो है हेडिंग 2 स्टाइल से अप्लाई हो गया। अगर हम इसको वापस से नॉर्मल करना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके इसको नॉर्मल कर देंगे। इसके बाद हम आगे लेंगे यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट। हम जैसे कोई किसी भी फाइल को कहीं से कट करके किसी और जगह पर मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उस फाइल को कट करेंगे। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ से हटाकर डाउन की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम लेंगे यहाँ से कट। कट की शॉर्ट की है Ctrl+X। अब इसको हमें कहाँ पर पेस्ट करना है, जैसे हम इस पैराग्राफ के डाउन में इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो हम पैराग्राफ के यहाँ क्लिक करके एंटर लेके कर्सर को लास्ट में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो टॉप में था कट होके यहाँ डाउन में शिफ्ट हो गया। इस तरह से हम हमारी किसी भी फाइल को कट करके, जैसे पूरी फाइल को हमने ये कट किया और हमें इस पेज के दूसरे नंबर के पेज पे इस फाइल को लेना है तो हम यहाँ से दूसरे नंबर का पेज ओपन करेंगे। हम कंटिन्यू एंटर प्रेस करके सेकंड पेज ले लेंगे। सेकंड पेज लेके यहाँ पर हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल फर्स्ट पेज से, ये फर्स्ट पेज हमारा ब्लैंक हो गया यहाँ पर और सेकंड पेज पे हमारी फाइल पेस्ट हो गई। इसी तरह से हम कॉपी का यूज़ करेंगे। कॉपी होती है जैसे हम किसी भी फाइल की कॉपीज बनाना चाहते हैं। जैसे ये फाइल सेकंड पेज पे है, मुझे ये फाइल सेकंड पेज पे भी चाहिए और मुझे फर्स्ट पे भी लेना है तो मैं इस फाइल की कॉपी बनाऊंगी। कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करके हम फर्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट पेज पर क्लिक करके हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी इस फाइल की कॉपी फर्स्ट पेज पर भी आ जाएगी। तो ये फाइल आप देख रहे हैं कि सेकंड पेज पे भी है और यही फाइल हमारी फर्स्ट पेज पे भी आ जाएगी। इस तरह से हम कट कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे यहाँ पर। जैसे हम कोई भी सेंटेंस टाइप करेंगे, अब जैसे मेरा ये सेंटेंस है, मुझे इस सेंटेंस की कई कॉपीज बनानी है तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर देंगे। कॉपी पे क्लिक करके अब आपको कितनी कॉपी चाहिए, जैसे हमें इस सेंटेंस की 10 कॉपी लेनी है तो हम कर्सर को नीचे की ओर शिफ्ट करके पेस्ट पे जितनी कॉपी लेनी है उतनी बार हम पेस्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो आप अपनी सेंटेंस की उतनी ही कॉपी बना लेंगे जितनी आपको चाहिए। नेक्स्ट हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।